स्टूडेंट्स, ये हमारा ज्योग्राफी क्लास 9 का वीडियोस है। इससे पहले मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाया है वो सभी के सभी एनसीईआरटी किताब से है। ये पहली बार है जब मुझे जो है एवरग्रीन कैंडिडेट की बुक मिली है। तो बच्चों, एक बार छोटा सा रिवीजन मैं इससे आपको करा दूं। हालांकि मैं आप इसको चैप्टर 2 का रिवीजन मैं 3 अलग अलग वीडियोज़ में कराऊँगा। ये पहला वीडियोज़ है, इसमें कुछ पार्ट्स को कवर करूंगा। इसके बाद दूसरा जो वीडियो होगा उसमें कुछ और पार्ट्स को कवर करूंगा। आप बस वीडियोस में देखते जाइए, ये आपकी नई पुस्तक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के पास अभी ये बुक पहुंची नहीं होगी, तो मैं ज़रा आपको ये पिक्चर दिखा दूं कि भाई इस बुक में क्या कंटेंट्स हैं, किस तरह से चीज़ें दी गई हैं। ये जो द हिमालयन माउंटेंस है, उसमें जो पहला है यंग फोल्ड माउंटेंस, इसके नीचे हम आएँगे तो हिमालय के सेपरेशंस को दिखाया गया है। द हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल और इसमें से जो है फोल्ड माउंटेन क्या होता है, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझा दी गई हैं। ये पिक्चर्स जो है आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इसको कलरफुल करके दिखाया गया है। इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं कि इंडियन डेजर्ट्स कहाँ पे है, काराकोरम कहाँ है, ये माउंटेन रेंज है, कैलाश रेंज है। इस तरह से आप जो है पूरा अपना मैप देख रहे हैं। बच्चों, इसको आराम से देखिए, समझिए नागा हिल्स कहाँ पर है, गारो खासी जयंतियाँ इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये 3 अलग अलग मेघालय में पढ़ने वाली जो है प्लेट्यूज़ हैं, छोटी छोटी, और नॉट प्लेट्यूज़, ये हिल्स ही हैं। ये अन्नामलाई, बच्चों अन्नामूडी, ये जो है सबसे हाईएस्ट रेंज है। मैंने आपको पढ़ाया है, आपको अन्नामूडी मैंने पढ़ाया था कि वेस्टर्न घाट का ये सबसे हाईएस्ट पीक है। इधर ईस्टर्न घाट देखिए कितना ज़्यादा डिवाइडेड है बच्चों, ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया। तो इस तरह से जो है मालाबार कोस्ट आप देख रहे हैं, ऊपर में ये कोकन कोस्ट, और फिर हमारा जो है ये है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। तो बच्चों, ये पूरा मैप आप जो है जब बुक मिलेगा आपको, आप देखेंगे, अभी आपके पास शायद एनसीईआरटी की बुक होगी, उससे ही देखने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में बहुत सारी रिवर्स है। ये आर का मतलब रिवर होता है, तो आर गंगा मतलब रिवर गंगा, आर यमुना मतलब रिवर यमुना। तो देखिए सभी नदियाँ कैसे एक दूसरे से मिल रही हैं। जो बड़ी नदी है वो जो है अपने पाथ पे रन करती रहती है, और इसको बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो है ट्रिब्यूटरी बनकर उसको सपोर्ट करती हैं। देखिए गंगा एक है जिसमें घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सभी नदियां डायरेक्ट आके मिल रही हैं, और ये गंगा आगे चल के बांग्लादेश में चली जाती है। तो बच्चों, ये हमारे इंडिया का पूरा मैप, और हम जो है इस नई बुक के साथ इसका रिविज़न और अच्छे से करेंगे। ये कुछ बातें आपको दिखाई गई हैं इस बुक में। अब मैं ज़रा पेज पलट दूं, ये कलर का क्या रेंज है, किस कलर में होगा, तो कितना हाइट है, ये गिवेन है। ये देखिए, ये सभी बातें हम लोगों ने एनसीईआरटी से करी हुई है। बच्चों, आपको ज़रा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स में आपने ये चीज़ें की हैं, लेकिन इस बुक से भी एक बार आप देख ले। तो ये रहा, अब आज से मैं इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा, सभी चीज़ों को मैं लिख के आपको जो है पीडीएफ में सेंड करूंगा। हिमाद्री के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, क्या है, कितना है, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले के वीडियोस में। लेकिन अब जो है इस बुक में हम चीज़ों को एक बार फिर से देख रहे हैं, ये हमारा रिवीजन भी हो रहा है। और हाँ, अगर वो डाटा थोड़ा इधर मिसमैच भी होता है तो आप एनसीईआरटी के डाटा को ही मेजर डाटा में रखेंगे। हालाँकि ये भी बुक बहुत अच्छी है, इसके डाटा मिसमैच होने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया बच्चों, तो आप सीबीएसई के बुक को ही मेन बुक मानेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। ये आप देख रहे हैं गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ग्लेशियर्स हैं। मैं अभी सबको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। अब यहाँ पे हमारा हिमाचल रेंज जो मिडिल है, इसके नीचे जो है हमारा शिवालिक रेंज दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें मैंने आपके साथ पढ़ाया है बच्चों, आपको बताया है, तो आप जो है बस इसको एज ए रिविज़न लें। देखिए ये डूम्स क्या होते हैं, गर्ज क्या होते हैं, ये सब बातें हम लोगों ने कई बार की हैं। इसके बाद वेस्टर्न हिमालय, जो हिमालय है उसका डिवाइडेशन हो रहा है रीजन वाइज, तो वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, या हमने कुमायूं का नाम पढ़ा भी था आप लोग को, मैंने पंजाब, कुमायूं, ये पूरा पिक्चर बना के समझाया है पीछे के वीडियोज़ में। ईस्टर्न हिमालय, आसाम हिमालय, और ये हमारा जो है पूर्वांचल। मैंने आपको साथ समझाया था कि ये देखो बच्चों, ये खास एरिया है जिसको हम पूर्वांचल का एरिया कहते हैं। वीडियोस को पीछे जाके देखिए, मैंने मैप बना के शो किया हुआ है। तो इन सबको देखने के बाद लास्ट में हमारे पास एक मैप आता है, ये इंडिया का मैप है। आप इस मैप को देखिए बच्चों, मैं ज़रा पास में ला दूँ, ये देखिए, ये बीच, ये पासेज है बच्चे। पासेज का मतलब होता है दर्रा, दर्रा का मतलब होता है माउंटेंस के बीच में वो एरिया, वो स्पेस
जहाँ पे जगह खाली होती है इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। इसको ऐसे समझिए कि आप लोग जब मेन रोड पे चलते हैं बाईपास पे, तो रोड के बीच में एक डिवाइडर होता है, यानी उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता और इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता है। लेकिन वो कहीं कहीं पे वो डिवाइडर नहीं होते हैं, वहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे माउंटेंस के बीच में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिस एरियाज़ में जो है हम पास नहीं कर सकते, हम यानी कि कोई भी उस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो नहीं कर सकते, सॉरी बच्चों, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि माउंटेंस इतने हाई होते हैं कि इनको एक तरफ से दूसरे तरफ क्रॉस करना मुश्किल है, बट उनके बीच में कहीं कहीं पे जो है कुछ स्पेस होते हैं, खाली स्पेस होते हैं, जहाँ से लोग उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसी को हम पासेस कहते हैं। तो ये देखिए काराकोरम पास है आपका, काराकोरम के जस्ट नीचे जो है, हाँ ये हमारा जो है अलग अलग पास है, नीति पास है, मंटा पास है, और भी बहुत सारे हैं। इसके नीचे हम आएंगे तो देखिए बहुत सारी नदियाँ हैं जो निकल रही हैं, सब निकल के जो है गंगा को, करीब करीब सभी गंगा में मिल जाती हैं। इस तरफ हम आए तो देखेंगे कि हमारी जो बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र को भी मिल जाती है, दिबांग जो इस, और दिबांग सबसे बड़ी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बनती है। और ये गारो खासी जयंतियाँ मेघालय के पास, ये गारो खासी जयंतियाँ जो हैं इनके चलते मेघालय में बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेघालय जो है वर्ल्ड का ऐसा प्लेस है जहाँ बहुत ज़्यादा, सॉरी इंडिया का बहुत हाईएस्ट रेनफॉल का प्लेस है। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हैं। बच्चों पहले हमने चेरापूंजी का नाम सुना था कि वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन अभी नहीं है, अभी मानसीरामा, अभी थोड़ा शिफ्ट हो गया है, मानसीरामा के पास बहुत ज़्यादा जो है रेनफॉल होता है। तो अब जो है इस वीडियोज़ को देखने के बाद आप खुद से जो है रिवीजन में जाइए, हालांकि मैं आज पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, आज आप पीडीएफ में देखिएगा, मैं सबका डिटेल आपको लिख के भेजूँगा। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक्स अगर है तो उसके साथ जाइए, जिसने किसी ने बुक को ख़रीदा है तो वो बुक के साथ जाए, और इतने दूर के चैप्टर्स को यानी कि माउंटेंस के अलग अलग रेंज को एक बार फिर से पढ़े, एक बार अवेयर हो जाए उससे, और फिर मैं पीडीएफ जो भेज रहा हूँ उसको राइट डाउन करिए। थैंक यू।